ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्कूल में ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रो, मान लेते हैं एक रो है उसमें जो है मेरे पास लेट से एक्स चेयर्स हैं, ओके ठीक है ओके। और फिर कहा है इज सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ चेयर, यानी कि नंबर ऑफ रोज, यानी ये एक रो है, यहाँ पे टू रोज, ये दूसरा रो है, से लेकर नंबर ऑफ रोज जो है वो भी एक्स रोज तक है जहाँ चेयर है। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ चेयर जो है वो कितने हो जाएंगे, पहले रो में एक्स चेयर्स हैं, दूसरे रो में भी एक्स चेयर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। ओके, सिंपली एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर नंबर ऑफ चेयर्स हैं। और अब कहा है कि टोटल स्टूडेंट जो हैं वो है मेरे, स्टूडेंट्स को अगर मैं एस बोल देता हूँ तो ये है मेरे 39, 48, ओके जो है स्टूडेंट्स हैं स्कूल में। अब बोला है कि इफ वी नो दैट लेस देन 22 चेयर्स वेर एम्प्टी, तो हाउ मेनी चेयर्स वेर एम्प्टी आफ्टर ऑल द स्टूडेंट्स सेट डाउन। ओके, तो जो नंबर ऑफ चेयर्स जो है मेरे एम्प्टी हैं उनको मैं अगर वाई बोलता हूँ, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। और ये गिवन है कि वाई जो है वो लेस देन 22 है। ओके, तो अब मेरा जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 20 20, और नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर जो है वो मेरे कितने हैं, वाई हैं, जो चेयर खाली रह गए जो मुझे फाइंड करना है, ये है 39 प्लस 4 प्लस वाई। ओके, तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो मेरा एक्स स्क्वायर जो है वो 39, 48 से बड़ा होगा, यानी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 39, 48, क्योंकि ये प्लस वाई है और वाई पॉजिटिव है, और ये किससे छोटा होगा, एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 39, 48 प्लस 22, क्यों, क्योंकि वाई जो है वो 22 से छोटा है। तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से कि 39, 48 मस्ट बी लेस देन एक्स स्क्वायर, दिस मस्ट बी लेस देन, प्लस यहाँ 28 नहीं, यहाँ 22 होगा। ओके, तो ये होता है 39, 70। ओके, तो अब चूंकि नंबर ऑफ चेयर जो है वो हमेशा इंटीजर होगा, क्योंकि चेयर्स जो हैं वो काउंटेबल चीज हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो अब कौन से इंटीजर का होल स्क्वायर जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो अगर अब आप 63 का स्क्वायर फाइंड करोगे तो ये होता है मेरा 60 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 60 × 3, तो ये आ जाता है 39, 69। ओके, और 62 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 62 का स्क्वायर होता है मेरा 60 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 60 × 2, ये हो जाएगा 240, तो ये आएगा 38, 44। तो 38, 44 तो 39, 48 से छोटा है, और 39, 69 जस्ट 39, 70 से छोटा है, और 39, 48 से बड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 63। ओके, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ चेयर इन अ रो जो थे वो मेरे थे कितने, अगर 63। ओके, तो अगर अब एक्स स्क्वायर कितना होगा फिर, 39, 69, दिस इज इक्वल टू 39, 48 प्लस वाई, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आती है 21, यानी नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स जो हैं वो है 21। ओके,